हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू किटैप नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट अ पोटेंशियल टॉपिक दैट माइट कम इन यूपीएससी 2024 एस एग्जामिनेशन नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम रिलेटेड टर्म्स जो कि एन्वायरमेंट के टॉपिक से रिलेट करते हैं मतलब कि कुछ इन्वायरमेंटल टर्म्स हैं जो कि काफ़ी क्लोज हैं एंड बहुत सिंपल हैं बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दम प्रॉपरली सो द फर्स्ट टर्म इज प्लैंगटॉन्स सबसे पहले आपको समझना है प्लान होते क्या हैं देखिए प्लैंकटॉन्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एक सिंगल ग्रुप में डाला गया है सिंपल वर्ड्स में प्लान्टॉन्स बेसिकली uh, वो चीज़ें होती हैं जो कि वाटर बॉडीज के अंदर फ्लोट करती हैं ठीक है तो कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी ऐसा प्लांट या कोई भी ऐसा एनिमल जो भी आपको वाटर बॉडी के अंदर फ्लोट करता हुआ दिखाई दे उसे आप प्लैंकटॉन समझ सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया ये प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं नाउ अगर कोई भी प्लांट होगा जो कि प्लान्टॉन्स के ग्रुप का पार्ट है उसे हम फाइटो प्लैंगटॉन्स कहते हैं फाइटो वर्ड यहाँ पर प्लांट्स को सजेस्ट करता है प्लांट्स को सिम्बलाइज करता है एंड अगर कोई भी एनिमल होगा जो कि प्लैंक्टॉन्स के स्पीसीज से लिंक रखता है उसे हम जू प्लैंगटॉन्स कहते हैं जू वर्ड यहाँ पर एनिमल्स को सिम्बलाइज़ करता है सो आई होप आप समझ गए प्लैंकटॉन्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हो सकते हैं अगर प्लांट्स प्लैंकटॉन्स हैं उसे हम फाइटो प्लैंकटॉन्स कहेंगे और अगर कोई एनिमल जो कि प्लान्टॉन है उसे हम जू प्लैंकटॉन्स कहेंगे तो जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो हमारे ग्लोबल इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज वो फूड सोर्स की तरह काम करते हैं वो एक जितने भी हमारे लार्जर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे फिश हो गए शार्क्स हो गए ये लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं और तभी ये लोग जिंदा रह पाते हैं सो so बेसिकली लार्जर एक्विटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एक फूड सोर्स की तरह काम करते हैं और दूसरी चीज ओशंस के अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है उन सारे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को करने के लिए इन प्लैंकटॉन्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उम्मीद करता हूँ आपको प्लैंकटॉन्स का जो मेन मीनिंग है वो प्रॉपरली समझ आ गया नॉलेट्स ऑन टू द नेक्स्ट वन अब देखिए मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी प्लांट प्लैंगटॉन्स होगा उसे हम फाइटो प्लैंगटॉन्स कहेंगे और कोई भी एनिमल अगर प्लैंगटॉन्स होगा उसे हम जू प्लैंगटॉन्स कहेंगे सो so हम यहाँ पर फाइटो प्लैंगटॉन्स और जू प्लैंगटॉन्स दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें समझते हैं सबसे पहले हम समझते हैं फाइटो प्लैंगटॉन्स क्या होगा सबसे पहले तो आपको ये पता मालूम चल गया है कि कोई भी प्लांट जो कि प्लान है उसे हम फाइटो प्लैंगटॉन कह रहे हैं नौ सिंपल वर्ड्स में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं फोटोसिंथेटिक मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं कैसे बनाएंगे देखिए ये सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं सी को कन्वर्ट करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर के अंदर और यही एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का मेन एम भी होता है देखिए फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेसिकली सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है और सनलाइट को इस्तेमाल करके सी को कन्वर्ट किया जाता है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब सिंपल वर्ड्स में कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को अगर और ब्रेक करो तो ग्लूकोज और ग्लूकोज ही वो चीज़ है जो कि, कि किसी भी प्लांट या एनिमल को एनर्जी प्रोवाइड करती है सो so, फोटोसिंथेसिस का मेन एम क्या है कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म करना किस चीज से सीओ टू से किस चीज की हेल्प से सनलाइट uh, की हेल्प से सो फाइटो प्लैक्टॉन्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं यानी कि वो सनलाइट को कन्वर्ट सनलाइट को यूज़ करके सी को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर दूसरी चीज़ जो फाइटो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मरीन फूड चेन का सबसे बेस माना जाता है मतलब फर्स्ट जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है मरीन फूड चेन का वो एक्चुअली फ़ाइटो ही होते हैं और फाइटो ही वो चीज़ हैं जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑक्सीजन पैदा होता है उसमें आधे से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो फाइटो से यहाँ पर पैदा करते हैं तो ये चीज यूपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्जाम एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ सकता है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे वर्ल्ड के अंदर जितना भी ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के द्वारा उनमें से आधे से ज्यादा यानी कि मोर देन हाफ जो है वो फाइटो प्लैंटॉन्स अकेले करते हैं ठीक है इसके अलावा एटमोसफेयर के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इसको एब्जॉर्ब करता भी है फाइटो प्लैक्टॉन्स सो आपको ध्यान रखना है सी यू टू का फॉर्मेशन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन तो करता ही है साथ ही साथ सी यू टू की कैप्चरिंग भी फाइडो प्लैंगटॉन्स करते हैं आई होप आपको फाइडो प्लैंगटॉन्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि प्लैंगटॉन स्पीसी से पाए जाते हैं इसके बारे में प्रॉपरली समझ आ गया लेट्स मूव ऑन टू जू प्लैंगटॉन्स पहली चीज़ हम तो समझ लेते हैं जू प्लैंगटॉन्स का मतलब क्या है ऐसे प्लैंगटॉन्स जो कि बेसिकली एनिमल्स हैं सिंपल वर्ड्स में राइट सो यानी कि एनिमल्स हैं मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते सो बेसिकली वो हाइड्रोट्रॉफिक है हाइड्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए यहाँ पर हमने देखा था जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं हाइड्रोट्रॉफिक अपना खाना खुद नहीं बना सकते इसलिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और उनसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं नाउ जो जू प्लैक्टॉन्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड सोर्सेस होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जैसे कि फिश लोग जितनी फिश होती है वो सब जू प्लैंगटॉन्स को खाती है जो लार्जर जू प्लैंगटॉन्स होते हैं वो भी स्मॉलर जू प्लैंगटॉन्स को खाते हैं और जो लार्जर फिश होते हैं वो भी जू प्लैंगटन्स को खाते हैं सो so, जू प्लैंगटॉन जो है एक इंपॉर्टेंट फूड सोर्स की तरह काम करता है एक्विटिक एनिमल्स के लिए देन नेक्स्ट टर्म जो है वो है ऑटोट्रॉप्स ना ऑटोट्रॉप का सीधा सा मतलब वो है जो कि फोटो सिंथेटिक हो फोटो सिंथेटिक का सीधा सा मतलब क्या है जो अपना खाना खुद बना सकता है आई होप आई होप आप समझ पा रहे हैं ऑटोट्रॉप फोटो सिंथेटिक प्लांट्स को ही ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उसे हम फोटोसिंथेटिक या फिर उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं नाउ जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना दो डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं या तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाएंगे या फिर वो केमोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाएंगे ना इसको भी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस दोनों में डिफरेंस क्या है बट फॉर द टाइम बिंग आपको बस ये समझना है कि जो ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं बाई प्रोसेस ऑफ या तो फोटोसिंथेसिस या फिर केमोसिंथेसिस और जैसा हमने ऊपर पढ़ा फाइडो प्लैंगटॉन्स एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं फाइडोप्लैंगटॉन्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं देन कम्स हाइड्रोट्रॉप्स हाइड्रोट्रॉप का सीधा सा मतलब यह है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हाइड्रो मतलब दूसरा ट्रॉप मतलब खाना बनाना सो so, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है उसे हाइड्रोट्रॉप्स कहते हैं अब ये लोग दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं जू राइट अब हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है देखिए फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कुछ ग्रीन प्लांट्स कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज़ और कुछ बैक्टीरियाज राइट कौन सा बैक्टीरियाज साइनो सो ग्रीन प्लांट्स ब्लू ग्रीन एल्गीज़ और साइनोबैक्टीरियाज ये लोग सनलाइट को यूज़ करते हैं सी और वाटर को कन्वर्ट करने के लिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑक्सीजन फिर समझिए देखो सी ओ टू प्लस एच टू ओ सी ओ टू और वाटर जो है ये बेसिकली प्लांट्स uh, के पास होता है मतलब ये लोग ये ये चीज़ें ये सॉइल से ले सकते हैं सॉइल से ले लिया अब यहाँ पर क्या करते हैं वो लोग सी ओ टू को इस्तेमाल करते हैं सी ओ टू को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में ना सनलाइट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सनलाइट के प्रेजेंस में सी ओ टू प्लस एच टू ओ को इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू वो लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और साथ में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं ये ऑक्सीजन जो है हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, important है. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया फोटोसिंथेसिस क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स ब्लू ग्रीन एल्गीज़ और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरियाज हैं ये लोग सनलाइट को यूज करके सी ओ टू और वाटर को कन्वर्ट करते हैं इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलॉग विथ ऑक्सीजन मैं ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी बेसिकली ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सब ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर का जितना भी क्लाइमेट है उन सबको रेगुलेट करने के लिए भी सही मात्रा में ऑक्सीजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी यहां पर फोटो नाम का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज अबाउट केमोसिंथेसिस समझते हैं केमोसिंथेसिस क्या है केमोसिंथेसिस को अगर ब्रेक करोगे तो केमो वर्ड जो है केमिकल वर्ड से आता है और सिंथेसिस का मतलब है कुछ फॉर्म करना टू फॉर्म समथिंग यानी कि केमिकल्स को इस्तेमाल करके कुछ फॉर्म करना So, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज वो लोग क्या करते हैं केमो यानी कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल वर्ड्स में आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स को वो लोग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं सो so, ये केमिकल कंपाउंड जो हैं वो इन ऑर्गेनिजम्स के पास पहले से ही होता है इसको ही कन्वर्ट करना होता है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर इसी को यहाँ पर केमोसिंथेसिस बोला जाता है नाउ फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस में मेन डिफरेंस क्या है फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ वहाँ हो सकता है जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट हो बिकॉज सनलाइट इसका सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है सनलाइट को यूज करके ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन केमोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वहां पर होता है जहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है सो so, सनलाइट के प्रेजेंट ना होने के कारण जो सेकेंड प्रोसेस होता है उसे कहते हैं केमोसिंथेसिस सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए अगर आप डीप सी में जाओगे तो डीप सी में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती तो वहाँ पर जो बैक्टीरियाज वहां पर जो प्लांट्स रहते हैं वो लोग किस तरीके से अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ केमोसिंथेसिस ठीक है so, सो आई होप आपको ये जो सेवन डिफरेंट टर्म्स थे जो तो कि बहुत ही सिंपल थे बट ये यूपीएससी के अंदर इनको लोग को कन्फ्यूज़ किया जा सकता है इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया आई होप आपको ये सारे टर्म्स प्रॉपर्ली समझ आ गए अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स के अंदर मैंशन कर दीजिएगा मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा इसके अलावा अगर आप इस पर्टिकुलर आ, वीडियो की इस पर्टिकुलर स्लाइड्स की पी चाहते हैं तो आप आई क्यू नाम का जो टेलीग्राम चैनल है जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की जो बाकी जितने वीडियोस हैं उन सब के जितने भी पीडीएफ्स हैं जितने भी राइटअप्स हैं उन सबको वहाँ पर मैं इंस्टॉल कर दूंगा वहाँ पर जाकर मैं उसको अपलोड कर दूँगा ठीक है So, I hope you liked this particular video. If you did, please do like, share, and subscribe. And thank you so much for listening.